वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपको काफ़ी बेहतरीन चीज़ें दिखाने वाला हूं। तो मैं ये हर की पौड़ी के बगल में एक हाईवे है, तो उस हाईवे से मैं हो करके एक शंकर भगवान की प्रतिमा है उसको देखने जा रहा था। मैं वहां से 1-2 किलोमीटर दूर होगा, पर हाँ हर की पौड़ी से होकर इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वो दिन सोमवती अमावस्या था, इस वजह से सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। आम लोगों का जो हर की पौड़ी है वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस दिन जो साधु संत ऋषि मुनि या नागा साधुओं का केवल शाही स्नान का दिन था, जो सुबह 7-8 बजे के बाद से लेकर के रात के 9-10 बजे तक था। 9-10 बजे के बाद आप सुबह तक ही आम जनता हर की पौड़ी पर नहा सकती थी, दिन में नहीं। तो फिर मैं हाईवे के ऊपर गया और हाईवे से होता हुआ मैं वहाँ से निकल रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि सामने ये जो रोशनी दिखाई दे रही है, लाइटिंग दिख रही है, यही हर की पौड़ी है और मैं इस समय हाईवे पर हूँ। और ये जो सामने आप मेरे देख रहे हैं कपिल चौबे जी हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, वहीं मुझे हर की पौड़ी में मिले थे। काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं वो और काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं। वो MA LLB कर रखा है उन्होंने, उनकी एज मुझे नहीं पता पर मेरे ख्याल से 25-26 साल के होंगे वो। और भगवान के भजन भी गाते हैं वो। तो आप ये देख रहे हैं, आपको दिखाई दिया मैंने जो शंकर भगवान की प्रतिमा है, काफ़ी बड़ी है वो। अभी समझे अभी भी मैं काफ़ी दूर हूँ पर ऐसा लग रहा है कि पास में ही हूँ मैं। तो आपको ये शंकर भगवान की जो मूर्ति है ये कैसी लग रही है, या शंकर भगवान कैसे लग रहे हैं आपको, ये आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। लगभग मैं पहुंच चुका हूं और आप ये देख सकते हैं आगे से यहाँ एंट्री है। अभी ये हाईवे है जहां आप दिल्ली से आप यदि जाएंगे तो इस हाईवे से होकर के जाएंगे आप। दर्शन कीजिए भोलेनाथ का, दर्शन कीजिए। तो इनके दर्शन करने के लिए काफी दूर पैदल चलकर मैं गया था।
ये देख सकते हैं जो ये शंकर भगवान की मूर्ति है, इनके अपोजिट साइड में हाईवे है और लेफ्ट साइड में जो आपको पूरी लाइटिंग दिख रही होगी, ये तो राइट साइड हो गया, ये फ्रंट हो गया, अपोजिट हो गया हाईवे साइड में। और हाँ, ये तो ये हो गया राइट साइड। हमें वहाँ काफ़ी तेज़ प्यास लगी थी तो वहाँ हैंडपम्प था और हमारी जो कपिल चौबे जी थे वो तो गंगा का पानी ही पी लिए थे और वो तो खैर अमृत समान होता है। तो ये कपिल चौबे जी जो हैं, ये इनके कुछ भजन इन्होंने गाया था, इसका वीडियो भी मैंने डाला है अपने चैनल पर, जाइए मेरे जर्नी आम से खास और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये देखिए कपिल चौबे जी जाकर पानी पीने गए हुए हैं और यहाँ ये पी लेते हैं और यहाँ से दर्शन कीजिए शंकर भगवान के, कितना मनमोहक, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं मुझे।